हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडर बाबा। और आज का जो टॉपिक है वो है एल्गोरिथम। तो आज हम बात करने वाले हैं एल्गोरिथम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो एल्गोरिथम होता है, द टर्म एल्गोरिथम इज यूज टू रिफर द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन होता है तो सिंपल हम कह सकते हैं कि इट इज अ स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू अराइव एट द सोल्यूशन ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आप एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हो ना, तो उसे कहते हैं आपने एक एल्गोरिथम बनाया है कि हाँ भाई, ये जो टास्क है, इस टास्क को हम ऐसे करेंगे। तो मान लो आप कुछ प्लान करते हो ना किसी चीज के लिए, मान लो कोई इवेंट है, आप उसके लिए प्लान कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, आप एक एल्गोरिथम बना रहे हो कि भाई पहले तू आएगा, फिर तू अपना काम करेगा, फिर वो आएगा। तो ये क्या, आपने एक स्टेप बना लिया ना कि हाँ, हमने एक स्टेप बाय स्टेप एक सोल्यूशन निकाला है इस चीज को करने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी एक एल्गोरिथम होती है। तो आगे चलते हैं। इट मे बी डिफाइन एज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन इन अ मैनर दैट इफ द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस देन द डिजायर रिजल्ट विल बी प्रोड्यूस या ऑब्टेन। तो मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि ये क्या है, इसको हम इस तरह से डिजाइन करते हैं, ठीक है, कि ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, इन्हें हम इस मैनर में हम इसे क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं ताकि ये हमें डिजायर रिजल्ट हमें प्रोवाइड कराए। ठीक है, तो कुछ हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं और उन नंबर ऑफ स्टेप्स को हम उनके सीरियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और फिर वो हमें क्या देते हैं, एक डिजायर रिजल्ट हमें देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड एल्गोरिथम। तो मान लो देखो, जो कोई भी अगर एल्गोरिथम हो, उस एल्गोरिथम में ये पांच कैरेक्टरिस्टिक या ये पांच प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए। अगर ये पांचों प्रॉपर्टी किसी एल्गोरिथम में मिलती हैं तो इसका मतलब वो एल्गोरिथम बेस्ट एल्गोरिथम है। ठीक है, वो क्या है वो पांचों प्रॉपर्टी? तो नंबर वन आता है फाइनाइटनेस। तो आपका जो एल्गोरिथम होना चाहिए वो फाइनाइटनेस होना चाहिए। इट मींस क्या, एवरी एल्गोरिथम शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अब ये जो प्रॉब्लम है इसमें आप कंटिन्यूस करते चले जा रहे हो, इटरेशन पे इटरेशन, स्टेप पे स्टेप आप करते चले जा रहे हो। ठीक है, 10 स्टेप, 20 स्टेप, 100 स्टेप, ठीक है, 10,000 स्टेप, 1 लाख स्टेप, मिलियंस स्टेप आप करते जा रहे हो, एंड देन 10 मिलियन के बाद आपका जो सॉल्यूशन था वो मिल गया, आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। मतलब आपने एक मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट किया और 10 मिलियंस के बाद वो जाके स्टॉप हो गया, यानी वहां पे आपका सॉल्यूशन मिल गया। तो यहां पे क्या है, यहां पे भी एक ये इसका मतलब क्या है, ये फाइनाइटनेस है, मतलब कि 2000 स्टेप के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो एटलीस्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, चाहे कितना भी स्टेप लगे कोई दिक्कत नहीं, पर एक स्टेप पे जाके, एक पॉइंट पे जाके आपका जो सॉल्यूशन है वो मिल जाना चाहिए। तो ये होता है फाइनाइटनेस। बट अब आप ऐसा सोचो कि आपने एक मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट किया और आप करते चले जा रहे हो, इनफाइनाइट टाइम तक आप करते चले जा रहे हो, कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, कोई फाइनल सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा आपको, तो ये क्या है, ये फाइनाइटनेस नहीं है। ठीक है, तो चाहे जितने भी स्टेप लगे वहां पे जाके आपका जो एल्गोरिथम है वो स्टॉप हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है डिफाइनाइटनेस। तो आपका एल्गोरिथम डिफाइनाइटनेस होना चाहिए। ठीक है, इफेक्टिवनेस मतलब क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज इनपुट। इनपुट मतलब एवरी एल्गोरिथम में एटलीस्ट एक इनपुट तो होना ही चाहिए। और आउटपुट, आउटपुट का मतलब हमें रिजल्ट क्या मिलता है, सिर्फ एक सिंगल जो एक रिजल्ट जो मिलता है वो सिंगल ही होता है, तो एक सिंगल आउटपुट हमें मिलना चाहिए। तो अगर इतनी सारे जो ये प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, अगर आपके एल्गोरिथम में है तो आपका एल्गोरिथम एक गुड एल्गोरिथम कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं राइटिंग एन एल्गोरिथम। तो देखो, जब भी आप एल्गोरिथम लिखोगे तो सबसे पहले आपको लिखना है स्टेप नंबर वन, स्टार्ट। तो कोई भी एल्गोरिथम रन करने से पहले आपको उसे स्टार्ट करना होता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है आपको आइडेंटिफाई करना होता है इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स को। एंड थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है कि इनपुट द वैल्यू ऑफ इनपुट वेरिएबल। तो जो भी आपने इनपुट या वेरिएबल बनाए हैं उनमें आपको वैल्यू असाइन करनी होती है। और स्टेप फोर कहता है कि आपको कैलकुलेट करना पड़ता है एक आउटपुट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो जिस तरह का प्रॉब्लम है उसके हिसाब से क्या आपको आउटपुट चाहिए वो आपको कैलकुलेट करना होता है, फार्मूला अप्लाई करना होता है, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं। और स्टेप फाइव जो होता है, यहां पर आपको आउटपुट जो होता है उसे डिस्प्ले करना होता है या फिर प्रिंट करना होता है, जो भी आपका रिजल्ट है। एंड द लास्ट स्टेज, आपको फिर यहां पर अपना एल्गोरिथम स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम बनाएंगे। तो आइए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे आपको इसे बनाना है। तो जो एग्जाम्पल हमारे पास यहां पर है, तो मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये कह रहा है कि राइट एन एल्गोरिथम टू एड टू नंबर।
ठीक है, दो नंबर को ऐड करने का एल्गोरिथम हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर वन क्या कह रहा है, स्टेप नंबर वन स्टार्ट, तो आपने स्टार्ट कर दिया। एंड स्टेप नंबर टू कह रहा है कि हमें यहां पे लेट द इनपुट वेरिएबल आर ए एंड बी, तो हमने यहां पे दो इनपुट वेरिएबल ले लिए ए और बी, और एक आउटपुट वेरिएबल ले लिया जो कि है सी। अब यहां पे क्या कह रहा है स्टेप नंबर थ्री, यहां पे कह रहा है कि इनपुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो यहां पे वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी में हमने कोई वैल्यू यहां पे इंसर्ट या स्टोर कर दिया। अब स्टेप नंबर फोर, यहां पे मुझे क्या करना है, मुझे करना है जो हमारा टास्क है, हमें दो नंबर को ऐड करना है। जब ऐड करना है तो यहां पर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ए एंड बी को ऐड करके सी में आप स्टोर कर दो, तो दिस इज द कैलकुलेशन। और उसके बाद यहां पर हम जो आउटपुट वैल्यू सी है उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, एंड देन आफ्टर हमने इसे क्या कर दिया, एल्गोरिथम को स्टॉप कर दिया। तो ये एक एग्जांपल है कि कैसे आपको एल्गोरिथम बनाने हैं, आप यहां से देख सकते हो। ओके, तो अब हम एक और एग्जांपल यहां पे देख लेते हैं। यहां पे कह रहा है राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द एवरेज ऑफ ए गिवन नंबर, ठीक है, तो एवरेज ऑफ ए गिवन नंबर, कुछ नंबर आप एंटर कीजिए, उनके एवरेज आप बताइए कि क्या है उनके एवरेज। तो इसके लिए हम फिर से लिखेंगे स्टेप नंबर वन, तो आपको ऐसे लिखना है, यहां पे आपको लिखना है स्टेप नंबर वन स्टार्ट, एंड देन इनपुट वेरिएबल, तो एवरेज निकाल रहे हैं तो कम से कम तीन चार वैल्यू हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो यहां पर हमने बनाया है क्या, ए इनपुट वेरिएबल ए बी सी डी ई, तो टोटल फाइव वेरिएबल है इनपुट वेरिएबल, एंड आउटपुट वेरिएबल एवीजी, तो एवीजी के नाम से हमने एक आउटपुट वेरिएबल यहां पे डिक्लेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इनपुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई, तो पांचों वेरिएबल जो इनपुट वेरिएबल है इनमें आपको वैल्यू स्टोर करनी है। अब यहां पे वैल्यू स्टोर हो गया स्टेप नंबर फोर, अब यहां पे क्या करना है, हमें करना है कि एवरेज फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या बताएंगे, यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे या कैलकुलेशन करेंगे, तो कैसे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइड बाय फाइव, तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल फाइव है, तो फाइव से डिवाइड कर देना है, जितना भी आएगा वो आपका एवरेज यहां पे आपको मिल जाएगा। एंड देन आपको क्या करना है, एवरेज को आपको प्रिंट कर देना है, ओके, एंड देन आपको इसे स्टॉप कर देना है। सो गाइज, ये था एल्गोरिथम, क्या है एल्गोरिथम, क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, और एक एग्जाम्पल। तो अगर कभी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज एल्गोरिथम डिफाइन, तो आपको इस तरह से इसे पूरा डिफाइन करना होगा स्टेप बाय स्टेप। पहले आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, फिर उसके बाद आपको करेक्टरिस्टिक लिखना है, फिर आपको कैसे आप इसे राइट करेंगे, और उसके बाद आपको एक यहां पे एग्जांपल दिखा देना होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।